Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. Jyoti hai jagmag, chitt mein sadbhav hona chahiye. Chitt mein sadbhav hona chahiye. Ek saath gaenge. जिंदगी ज्योति है जगमग, चित्त में सद्भाव होना चाहिए. चित्त में सद्भाव होना चाहिए. रात बीते आएगी ही आहना. रात बीते ना, यह नहीं संभव कि पाए राह ना. यह नहीं संभव कि पाए राह ना. मांग है मिल कर रहेगी भावना में धैर्य होना चाहिए. मांग है मिल कर रहेगी भावना में धैर्य होना चाहिए. जिंदगी ज्योति है जगमग, चित्त में सद्भाव होना चाहिए. जिंदगी ज्योति है जगमग, चित्त में सद्भाव होना. ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा. चरम तीर्थेश समण भगवंत महावीर का शासन, ये जिन शासन सदा जयवंत रहे. चतुर्विध तीर्थ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की सतत अभिवृद्धि होती रहे. हर एक के दिलों में प्रेम का दीप जले. समस्त गुरु भगवंतों को प्रणाम. उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम. जय हो, जय हो. जैन सोशल ग्रुप और यह नारी संगठन, आप सबके समाज उपयोगी कार्यों की लंबी सूची सुन करके बहुत प्रसन्नता हुई. आप सबको बहुत बहुत साधुवाद. लगातार आप सभी लोग मिल करके जो इस समाज की सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए कार्य कर रहे हो, ये कार्य आपकी जागृत संचेतना का एक लक्षण है. यू ऑल आर अवेयर फॉर योर ड्यूटीज एंड फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अबाउट सोसाइटी एंड अबाउट ह्यूमैनिटी. दिस इज द ग्रेट थिंग. हम जब सुंदर समाज को निर्मित करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक नज़र जाती है अपने ही परिवार पर भी जाती है ना. दो तरह के लोग समाज के कार्यों में योगदान देते हैं. एक वे लोग जो अपने परिवार में संपन्न है, समृद्ध है, शांत है, सुमधुर वातावरण में रह रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब यहाँ का तो पौधा पनप गया, अब किसी और जगह जाकर के सिंचन किया जाए. अपना समय का उपयोग अन्य अन्य फील्ड्स में भी किया जाए, अपनी योग्यता से कहीं और भी फूल खिलाई जाए, है ना. एक वे लोग होते हैं और दूसरे वे लोग होते जिन्हें लगता है कि जो अभाव, जो पीड़ा मैंने अपने परिवार में देखी, जो समस्या मेरे घर में मैंने पाई, खोजी, महसूस की,
ये समस्याएं औरों के घर में ना रहे, उन लोगों को समस्या से समाधान का मार्ग मिल जाए, इसके लिए भी वे लोग सामाजिक बन जाते हैं। पर जैन समाज अक्सर पहली कैटेगरी के लोगों से भरा है ना? नहीं ऐसे ही? यस या नो? यस। आप लोगों के परिवार बहुत सुंदर है, इसीलिए आप बहुत सारे परिवारों में रोशनी जगाने का काम कर रहे हैं। फिर भी कुछ ज्वलंत प्रश्न तो है, किसी के घर में थोड़े, किसी के घर में ज्यादा, और घर में नहीं सही पर हमारी पेरिफेरी में तो है ही, हमारे चारों ओर के माहौल में तो वो चीजें हैं ना, जिसे हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? आज की कुछ ज्वलंत समस्याएं, बढ़ती असहनशीलता और घटती स्नेहशीलता हम देख रहे हैं। रिश्ते बनाना मुश्किल, बना लो तो निभाना मुश्किल, एक दूसरे पर भरोसा करना आज हर किसी को बहुत कठिन लगता है। हर विश्वास की श्वास के नीचे संदेह का भी बीज पनप रहा होता है। ऐसे में कैसे हम अपने परिवारों की बगिया को सतत महकाए रख सकते हैं? हमारी आने वाली संतान कैसे एक सुरक्षित और सुरभित वातावरण को प्राप्त कर सकती? कैसे उनके अंदर सद्गुणों के बीज विकसित किए जा सकते हैं? ये ज्वलंत समस्याएं हैं। माता पिता परेशान है, और परेशान एक या दो संतान से। पहले 8-10 भी होती थी ना, तब भी इतनी परेशानियां नहीं थी। हाँ, वो दादी और परदादी जिसके घर में बैठी होती है, वो कहती है क्या एक दो से परेशान हो, हमारे जमाने की सोचते। हाँ, पलटन की पलटन होती तब भी कोई समस्या नहीं थी, सबको पता था सेट है लाइफ, बच्चों को थोड़ा बड़ा करना है, इनकी शादियां कर देनी है, कमाने लायक पढ़ाना है, इतना ही तो सोच था उनके पास। ज्यादा सपने नहीं थे, बहुत ऊंची आकांक्षाएं नहीं थी, महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, प्रतिस्पर्धाएं नहीं थी। आदमी एक शांत जिंदगी जी सकता था और चैन से मर भी सकता था। नहीं, मर सकता था कि पीछे बहुत लोग हैं, कर लेंगे। पिताजी जाते तो भी पता था चाचा है, ताऊ है, दादा है, कोई ना कोई बैठा है। अभी तो आदमी ना चैन से जी सकता है ना चैन से मर सकता है। कर्जों तले जीता है और मरने का ख्याल भी उसको आता है, तो समस्याओं से मुख मोड़ने के लिए आ जाता है, पलायन करने के लिए आ जाता है, बचने के लिए आ जाता है, साहस खत्म होने लगता है, तो आदमी मरने के भी सपने देखने लग जाता है। नहीं, जीवन को भी सहना मुश्किल हो गया, जीवन की समस्याओं को सहना मुश्किल हो गया, आर्थिक समस्याओं को सहना मुश्किल हो गया, पारिवारिक समस्याओं को सहना मुश्किल हो गया, और हम अपनी बढ़ती हुई इस युवा पीढ़ी की प्रतिभा को देख करके भी आशंकित रहते हैं कि अगर इतना प्रतिभाशाली बच्चा है तो इसकी शादी भी प्रतिभाशाली परिवार में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये भी एक समस्या। लड़कियों को खूब पढ़ा ले तो चिंता, बराबर का लड़का मिलेगा कि नहीं? लड़का खूब पढ़ लिया तो चिंता, इसके फील्ड की इसको बराबर समझदार सुयोग्य कन्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मतलब प्रतिभाशाली है तो भी चिंता, न है क्या किया जाए? देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, सबका सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन भी तो खोजना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम्स तो है, सबके समाधान के लिए आप लोग यहां बैठे हो कि कुछ तो समाधान की राह हमें मिलेगी, है ना? उस समाधान की राह पे हम बात करें तो 3 सूत्री कार्यक्रम आज संपन्न करें। हाँ, 3 सूत्र पे बात करते हैं। यूं तो बहुत सारे समाधान है, पर बहुत सारी डोज एक साथ लेने से बीमारी होगी नहीं दूर, और
वे डोज पच भी पाएगी या नहीं, डाइजेस्ट भी कर पाएंगे या नहीं, है ना। तो जरा तीन टैबलेट्स की तीन तरह के हम सूत्र अपनाते हैं। पहला सूत्र, घर में असहनशीलता बढ़ गई, है ना। ओ बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, आजकल राने का काना भी कोई नहीं सुन सकता, जरा सा सुनना बर्दाश्त नहीं होता, है ना। ऐसे में हम अपने में एक आदत विकसित करें। क्या आदत विकसित करेंगे? सुनने की आदत विकसित करें। तीन सूत्रों में से पहला सूत्र, जिसको सहनशीलता बढ़ानी हो उसको सबसे पहला सुनने की आदत विकसित करनी चाहिए। सुनना सीखो, बहुत मुश्किल है। मुझे पता है आजकल की माताएं बहनें क्या कहती है, कहते सब कुछ कर सकती हो, सुन नहीं सकते। नहीं, सब कुछ कर सकती हो, सुन नहीं सकती। सुनना सबसे मुश्किल लगता है। सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला ना। ये भाई लोग की भी यही प्रॉब्लम है। ये मार्केट से थक कर के आते हैं घर पर के, वो बाजार की इतनी समस्याएं, दुकान की इतनी समस्याएं, जॉब की इतनी समस्याएं, तलवार लटकी रहती है कब जॉब चली जाए, और घर में आते वापस माता और बहनों को सुनना पड़ता है, है ना। और कई लोग तो इतने थक जाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए घर पे भी तब आते हैं जब सुनाने वाली के सोने का समय आ जाता है। जब थक हार के सो ही चुकी होगी, सुनाने की सारी तड़प भी खत्म हो चुकी होगी, तब घर पे पहुंच। तो पहली चीज, इस असहनशीलता, इस अधैर्य भरी जिंदगी में हमें धैर्य डेवलप करना है। तो पहली चीज सुनना सीखो। कहां से शुरुआत करोगे? सुनने की शुरुआत कहां से करोगे? किसको सुनना? सबसे पहले सुबह उठ करके अपने अंतर की आवाज को सुनना, शुरुआत यहां से करो। सबसे पहले खुद को सुनना सीखो, क्योंकि बाहर भी हम इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि अपने आप को भी नहीं सुन पाते। हम खुद को टाइम नहीं दे पाते तो औरों को भी टाइम देना बहुत मुश्किल लगता है। पहले खुद को टाइम देना सीखो। करोगे शुरुआत? क्योंकि ये समाधान का सेशन है। समस्याएं तो बिखरी पड़ी है, उसकी ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। हमें तो समाधान चाहिए। समाधान के सेशन में पहला सूत्र है सुनना सीखो, और शुरुआत करो खुद को सुनने से। रोज सुबह उठ करके 15 मिनट्स, और कुछ काम नहीं करना, हो सके तो कान में अपनी अंगुली डाल देना, आंख भी बंद कर लेना, कल अपने दिल की धड़कन को सुनना, अपने मन में चल रहे धुंधों को सुनना, अपने दिल में पल रही आकांक्षाओं को सुनना, उन आकांक्षाओं को सही रास्ता कैसे देना वो सुनना, अपने विश्वासों को सुनना, आपके विश्वास क्या है, सुनना सीखना। क्या है आपकी सोच अपने जीवन के प्रति? क्योंकि आपकी सोच ही सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है आपकी लाइफ में। सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले आपकी सोच करेगी। तो सबसे पहले आप अपनी सोच को सुनना सीखो। आपकी सोच क्या, क्या सोच है इस जीवन के प्रति? आस्था से भरी सोच है या शंका से भरी सोच है? प्रेम से भरी सोच है या मजबूरी और घृणा से भरी सोच है? धन्यवाद से भरी सोच है या शिकायतों से भरी सोच है? अपनी सोच को सुनो। केवल सुन लो, केवल सुन लो। सुन सकते, अभी से शुरुआत हो गई होगी कि मेरी सोच कैसी मेरी जिंदगी के प्रति। अपनी सोच को सुनो, क्योंकि आप ही अपनी सोच को नहीं सुन पाते हो तो बदलोगे कैसे? आपकी सोच क्लियर हो अपनी जिंदगी के प्रति, कि मुझे अपनी जिंदगी के प्रति एक क्लियर विजन है। आई लव माई लाइफ, आई एक्सेप्ट माई लाइफ एज इट इज। मैं अपने जीवन को प्रेम करती हूं, मैं प्राप्त वातावरण को स्वीकार करती हूं, वो जैसा भी है मेरे लिए सुखद है, वो जैसा भी है वो मैंने ही बनाया है, मेरे लिए सुखद है। आई लव माई लाइफ, आई एक्सेप्ट माई एटमोसफेयर, माई सिचुएशन, माई फैमिली, माई ऑल रिलेटिव्स। अगर ये सोच आपके अंदर आए ना, सबसे पहले खुद को सुनना सीख लोगे ना, बाकी सेकेंड काम सारे ईजी हो जाएंगे। जैसे
अपन कहते ना कि घर से आदमी निकले खाना खा के निकलाओ, खाना खा के निकलाओ, अपना पेट भर के निकलाओ, तो उसको बाहर भी भोजन मिलेगा और जो आदमी पेट भर के निकला है वो आदमी के कदम डगमगाएंगे, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना। इसी सूत्र को यहाँ पे लागू करो कि नींद में से आप जागे हो और पहले आपने अपने आप के दिल को सुन लिया है, अपने दिल को सही राह दे दी है, अपने दिल को सुकून दे दिया, चैन दे दिया, शांति दे दी, प्रेम दे दी है, यानी आप अपने अंदर में खाना खा चुके हो, खुद को आपने अच्छे से नरिश किया है, फीड किया है, अच्छे विचारों से, अच्छी भावनाओं से, अच्छी प्रार्थनाओं से, प्रेम से, सुंदर सुखद एहसासों से, अब आप उस दुनिया को आराम से झेल सकोगे। उसके पहले कैसे झेल सकोगे? दूसरों को सहना बहुत बात की बात है, दूसरों को सहना और नहीं सहना बहुत बात की बात है, सबसे पहले हम खुद को ही सहन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अपने भीतर खुद को लेकर के कितने कॉम्प्लेक्सेस है ना। और बहुत गहरा सूत्र आपको मैं बताना जा रही हूँ, ये स्पिरिचुअल सूत्र है कि जो आदमी खुद के साथ नहीं रह सकता वो दुनिया में किसी के भी साथ नहीं रह सकता। जिसको खुद को रहना नहीं आया, खुद के साथ रहना नहीं आया, उसके साथ कोई भी रहेगा ना वो हर जगह पे परेशान होएगा, है या नहीं? और बिल्कुल केवल 15 मिनट्स खुद को सुनने के लिए दो, 15 मिनट्स जागने के साथ, 15 मिनट्स सोने से पहले खुद को सुन लो, खुद की आवाज़ को ठीक करो। अब खुद की आवाज़ को कैसे ठीक करोगे? एक बच्चा आपका आपके पास आता है, कहता है मम्मा उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे गुस्सा आया, मेरे मन में ये है, वो अपनी सारी अच्छी बुरी सारी बातें आपको सुनाता है ना, आपका बच्चा सुनाता है। कई बार आपका बच्चा आपके दूसरे बच्चे की शिकायत भी आपके सामने कर रहा होता है, भैया ने ऐसा कर दिया, बहना ने ऐसा कर दिया, मामा देखो उसने ऐसा कर दिया। आप उसको कैसे समझाते हो, कैसे समझाते हो? गलत शिक्षा देते हो, सही शिक्षा देते हो? उसको लड़ने की शिक्षा देते हो, शांति रखने की शिक्षा देते हो? उसको प्रेम की शिक्षा देते हो या घर तोड़ने की शिक्षा देते हो? क्या शिक्षा देते हो? कहते हो घर तोड़ दे, कहते हो भाई से नाराज हो जा, कहते हो भाई से बोल ही मत, लड़ाई कर ले, देखो भाई इतना गुस्सा करता है तो तू जाते ही क्यों उसके सामने, देखते ही क्यों है, देखा ही मत कर उसके साथ, खाना ही मत खाया कर उसके कमरे में, रहा ही मत कर, ऐसा बोलते हो क्या? अरे कोई तो भी बोलता होगा, कोई नहीं बोलता। इसका मतलब ये हुआ आप सब अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा देते हो ना, बस वैसी ही अच्छी शिक्षा खुद को सुनते समय खुद को दे देना। जब आप खुद को सुन रहे होंगे ना, आपका मन कहेगा नहीं सहन होता, इस घर में मुझसे नहीं रह जाता, ये क्या आदमी है, आखिर कब तक सहन करेंगे? हाँ, असहनशीलता खुद से है ना, खुद में कितने सारे क्वेश्चंस है, कितने डाउट्स है, कितने कंप्लेंट्स है, कितनी तरह तरह के मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, वो निकल ही नहीं पा रही है, इसीलिए वातावरण में निकलती है, बाहर निकलती है। तो जरा अपने अंदर की असहनशीलता को निकालो, दबाओ मत, दबा दोगे तो पता क्या होगा, ये जितनी स्किन प्रॉब्लम्स है, हाँ फेयर एंड लवली कितनी लगा लो ठीक नहीं होने वाली, एक्चुअल में ये जितनी स्किन प्रॉब्लम्स है, जितनी खून की प्रॉब्लम्स है, जितनी भी आदमी के ब्लड में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उन सब का बहुत गहरा कारण होता है वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने आप को सहन नहीं कर पा रहा, खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहा। बढ़ती असहनशीलता, सबसे पहले असहनशीलता किसके प्रति है? खुद के प्रति। खुद के कॉम्प्लेक्सेस सहन नहीं होते, फ्रस्ट्रेशन सहन नहीं होती, खुद के मन में बने हुए कितने तरह की ग्रंथियां हैं हमारी, उसको सुनो और खुद क्योर करो, खुद ही क्योर करो, अपने डॉक्टर आप बनो। बन सकते कि नहीं? है ऐसा कोई जो नहीं बन सकता? ऐसे ही समझाना खुद को जैसे अपने बच्चे को कैसे समझाते हो, जैसे अपने फ्रेंड को कैसे समझाओगे, जैसे अपने अजीज निकटतम भाई को बहन को कैसे समझाओगे, बेटी को बेटे को कैसे समझाओगे, ऐसे ही खुद को समझा लेना। बोलो काम डाउन,
कूल डाउन, किसी ने कहा कह दिया ना, उसने भी तो अपनी भड़ास निकाली है, मैं भी तो निकालती रहती हूँ, खुद को समझा लो। तो असहनशीलता पहले अपने अंदर की समाप्त करो। देखो ये धरती है ना, ये भी कभी कभी गर्म हो जाती है, होती है, लेकिन बादल वापस बारिश करते हैं, और जब बादल बारिश करते हैं धरती खुश होकर के बीजों को अंकुरित होने देती है, और जब बीज अंकुरित होते हैं फसलें लहलहा उठती है, हरियाली हरियाली छा जाती है, छाती है ना। जैसे वो धरती है वैसे आप सभी माताएं हो। इस पूरे समाज में जितने सद्गुण पनपेंगे ना, जैसी भी नई फसल आएगी, जैसी भी संतान होगी, वो सब आपकी वजह से होगी। आप जैसे होंगे वैसी आपकी संतान होगी, आपकी फसल होगी, आपकी पैदावार होगा, आपका भविष्य होगा, सब कुछ आपकी वजह से होने वाला है। इवन देन आपके पति का नेचर भी आपकी वजह से डिसाइड हो जाने वाला है। अगर वो क्रोधी है, आप क्षमाशील हो, आप प्रेमी हो, आप उदार हो, उनका क्रोध घट जाएगा, 100% घटेगा। आप में से कई माताओं को ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जब वो शादी करके आए थे उनका पति बहुत गुस्सेल था, लेकिन वो प्रेम से धीरे धीरे सहन करते करते उदारता से क्षमा से उन्होंने अपने पति का नेचर चेंज कर दिया, किया है ना। और जिस माँ ने ऐसा किया उसको विश्वास है कि वो अपने बच्चे का भी नेचर चेंज कर सकती है। केवल एक ही बात, आपके अंदर उदारता होना, आपकी गर्मी शांत होना, आपके अंदर में धीरज होना, और आपके अंदर धीरज रहे इसके लिए 15 मिनट सुबह और शाम खुद को देख करके खुद को समझाओ, कर सकते कि नहीं कर सकते। कौन कौन लोग ये कार्य कर सकते हैं जरा हाथ खड़ा करके बता दो मेरे को। अरे वाह, सारे हाथ खड़े, आप सबको बहुत दिल से धन्यवाद, साधुवाद। आप सबने हाथ खड़े किए, अब मतलब अब हर एक व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। अब ये पन 3 सूत्री कार्यक्रम में पहला सूत्र है कि स्वयं को सुनना सीखो। बस इसी के आगे का स्टेप ये है कि आपको खुद को सुनना आ गया ना, तो उसके बाद आप अपने बच्चों को भी सुनना सीखो, टाइम दो उनको। सोशल बनना अच्छी बात है, लेकिन चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। लोगों के दुख दर्द सुनते हो ना, जरा अपने बच्चों के भी दुख दर्द सुनो। जब लोगों के दुख दर्द सुनते हो ना, तुम लॉजिक देते हो क्या? वहां कोई लॉजिक देने बैठते हो, तुम्हारे दुख दर्द इसलिए है, उसलिए है, तुमने पिछले जन्मों में कर्म ऐसे किए थे, तुम्हारी अपनी गलतियां, कुछ लॉजिक नहीं देते। तुम उनके दुख दर्द दूर करने की सोचते हो, ऐसे सोचते हो ना। जब तुम सोशल ग्रुप में जुड़े हो, तो जब सोसाइटी के लिए वर्क करते हो, तो किसी को तुम ताड़ने तर्जने करने थोड़ी जाते हो, तुम उनके मदद करने जाते हो, ऐसा ही है ना। लेकिन अपने बच्चों का, अपने परिवार के लोगों का दुख दर्द जब हम सुनते हैं तो क्या कहते हैं? एक माता कह रही थी, मेरी सासू बीमार है, पढ़नी थी, उसके कर्म ही ऐसे, अपने कर्मों का फल भोग रही है। पहले हमें परेशान करती थी, बुढ़ापे में खुद परेशान हो रही है। हमारा ध्यान रखा होता तो आज उनके साथ भी ऐसा नहीं होता। बहुत हम क्रूर हो जाते, कठोर हो जाते। सत्य भी अगर कठोर हो ना, तो कहने लायक नहीं होता। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात अप्रियम असत्य। अप्रिय सत्य भी मत कहो। आपको पता है कि इस व्यक्ति में ये कमी इसकी वजह से आई। घर में रहते हो पता तो चलता है ना। हाँ, आप नए परिवार में आती हो तो आपको नए परिवार के लोगों से मुलाकात करके कुछ कुछ समय में सब पता लग जाता है कि मेरे पति में ये कमी क्यों है, मेरे देवर में कमी क्यों है, मेरी सास में क्या सोच है, मेरे ससुर में क्या सोच है, सब समझ में आता है। लेकिन तब क्या करना? उनके प्रति क्रूर नहीं बनना, कठोर नहीं बनना, जजमेंटल नहीं बनना। ये चीज सीखो, बहुत सावधानी से सीखो, केयरफुली लिसन करो, केयरफुली सुनो, एक्सेप्ट करो कि हम क्या करते हैं, कितनी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, होते हैं ना। और जैसे ही हम जजमेंटल होते हैं ना, फिर हम सहन नहीं कर सकते, हम सद्भावित भी नहीं रह पाते। सहन करना तो छोड़ो, हमारे हृदय में उन लोगों के प्रति जो सद्भावना आनी चाहिए ना, कई बार वो भी खत्म हो जाती है। सद्भावना ही खत्म हो गई तो स्नेह भावना कहाँ से पैदा होगी, समझो ना। हाँ, स्नेह भावना से पहले सद्भावना होगी ना, तो स्नेह भावना होगी। तो वो चीज लाओ, अगर आपको नजर आ रही है किसी की कमियां,
आपके परिवार के लोगों की कमियां, आपके अपने अंदर की कमियां, आपके अपने बच्चों की कमियां, आपको सब समझ आ रही है। बच्चा क्यों झूठ बोलता है आपको पता लगा, माँ बाप में कहीं झूठ बोलने की आदत रही है। बहू क्यों कामचोर है भी पता लगता है, उनका घर का माहौल ऐसा रहा, उन्होंने कभी काम किया ही नहीं, इसलिए आज वो काम नहीं कर सकती है, पता लगा ना। वो पता लग गया तो क्या करोगे, डोंट बी जजमेंटल, जज मत बनना और कठोर वाणी मत बोलना। सुनना सीखना लेकिन बोलते समय हर बात को फिल्टर करके बोलना, ये सेकंड पॉइंट है। घटती स्नेहशीलता और बढ़ती असहनशीलता का कारण है हमारी वाणी का अविवेक। ऐसी वाणी निकलती है तीर की तरह, तलवार की तरह काटती हुई। बोले आप कहोगे मैं सच ही तो बोली, वो सच नुकसान कर रहा है, वो सच हिंसक बन रहा है। ऐसा सच भी हमको बोलना कल्पनीय नहीं है। सच भी कैसा बोलना जो सुखद हो, जो सृजनात्मक हो, क्रिएटिव हो, डिस्ट्रक्टिव नहीं हो। तो सेकंड सूत्र, सुनने के साथ में बोलना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ये वन वे चलेगा। आप सुन रहे हो तो बोलोगे भी, लेकिन बोलना हमेशा फिल्टर करके। और होता क्या है, बोल जाते हैं उसके बाद सोचते और ऐसा क्यों बोला, नहीं बोलता उसका मूड खराब कर दिया। देखो अच्छा, किसी का भी मूड खराब हुआ फिर क्या हुआ, आपका मूड सही रहा कि खराब हो गया, आपकी वजह से किसी का मूड खराब हुआ फिर क्या होगा, आपका मूड खराब नहीं होगा, होगा ना, पक्की बात है ना। हमारी वजह से आपका मूड खराब हुआ, हमारा मूड तो खराब होगा ही होगा, 100% है। और जब मूड खराब हो जाता है ना, धीरे धीरे आदमी बोलना बंद कर देता है, दूरियां बन जाती है ना। वो दूरियां घरों को तोड़ती है, वो दूरियां परस्पर विश्वास और रिश्तों को तोड़ देती है। इसीलिए सेकंड पॉइंट, जैसे ही सुनो, समझो, देखो, जानो, भालो, लेकिन जब बोलना हो तो उतना ही मत बोल देना जितना आपने जान लिया, ऐसे ही मत बोल देना जैसा आपने सुन लिया जान लिया। बोलते समय फिल्टर, पानी छान के पीते हैं। कौन है हमारे यहाँ से जो पानी बिना छाने पीता है, कोई तो होगा जो बिना छाने पानी पीता होगा, नहीं ना। हमको बचपन से संस्कार मिला है कि पानी छान करके पीना। अगर हम कहीं भी चले जाए, पूरे विश्व के किसी कोने में चले जाए, हम अपने घर में से सामान ले जाते वक्त वो पानी को छानने वाली, आप लोग लेके जाते हो पानी को छानने वाली छलनी भी लेके जाते हो, या फिल्टर पानी पीते हो, पैक्ड पानी पीते हो, छाना हुआ पानी विश्वस्त करके पीते हो कि पानी में कोई अशुद्धि नहीं होना। इतना क्यों, पानी की अशुद्धि पूरे शरीर में जा करके पूरे तंत्र को खराब कर देगी, और वाणी की अशुद्धि पूरे परिवार के तंत्र को। परिवार में जो स्नेह का संचार हो रहा है वो ऐसा ही है जैसे बॉडी में ब्लड का संचार हो रहा है। जैसे बॉडी में ब्लड कैसे पूरे बॉडी में फैलता है ना, प्योरीफाई होता है और पूरे बॉडी में फैलता है, ऐसे ही समाज और परिवार के अंदर हमारी वाणी संचरित होती है। वही वाणी खून की तरह, वाणी का उतना उपयोग है जैसा खून का उपयोग है। शरीर में जरा खून जम जाए और हमारे रिश्तों में जरा संवाद जम जाए, संवाद विवाद बन जाए, कैसा होगा। तो वाणी को बैलेंस कैसे करना वो सीखो। अब ये अंदर तक ले जाओ, अपने अंदर इंस्ट्रक्शन डालो, शांति से बैठ के खुद के अंदर इंस्ट्रक्शन डालो कि मुझे अब बोलने से पहले फिल्टर करके बोलना। पानी छान के पीता हूं, ऐसे वाणी छान करके बोलनी है। अंदर आया और निकाल दिया नहीं, जो दिमाग में आया वो सो कह दिया, गलत है। किसी से सुना और कह दिया, और ऐसा ही तो होता है, आधी अधूरी बात किसी की सुनते हैं, फोन पे तो पूरी बात भी समझ में नहीं आई पर मन ने सारी कहानी बना ली, किसी के बारे में कोई भी अजम्पशन कर लिया
और फिर बोल डाला। बोलने के बाद पता लगता है, जब परिणाम सामने आते हैं, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने उस टाइम क्यों नहीं बोला और उस टाइम क्यों बोल दिया। ये दोनों ही प्रॉब्लम का कारण है। आपकी पत्नी के लिए आपको बोलना था, वहां आप चुप रहे। आपके हस्बैंड के लिए कहां आपको तारीफ करनी थी, वहां आप चुप रहे। जहां आपको कमी नहीं निकालनी थी, वहां कमी निकाल दी। बस अब स्नेह खत्म। स्नेह कैसे बन रहा था, कैसे बढ़ रहा था, कैसे टिक रहा था? ये स्नेह वैसे ही काम करता है जैसे पौधों को पानी, जैसे पौधों को पानी मिलता है तो पौधों में फूल खिलते हैं, ऐसे ही हम सबको स्नेह मिलता है तो हम सबके भीतर की आत्मा पवित्र होती है, प्रसन्न होती है, खिलती है, फैलती है, विकसित होती है, बढ़ती है। स्नेह ना मिले, हमारी आत्मा का पोषण ही नहीं होगा। ध्यान दीजिए, हमारे शरीर का भोजन अन्न है, अनाज है ना। अनाज के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता। बुद्धि का भोजन ज्ञान है। बुद्धि कह दो, मन कह दो, इसका भोजन ज्ञान है। ज्ञान नहीं मिलेगा तो मन विकसित नहीं होगा। शरीर का भोजन अनाज है, बुद्धि का भोजन ज्ञान है, और आत्मा का भोजन प्रेम है। आत्मा का भोजन प्रेम है। आपको किस घर में रहना अच्छा लगेगा? किस दर पे जाना अच्छा लगेगा? जहां प्रेम है। जहां प्रेम नहीं, वो घर मतलब आपका मायका ही क्यों ना हो, गलत तो नहीं कह रही, आपका मायका ही क्यों ना हो, आपका पीहर ही क्यों ना हो, नहर ही क्यों ना हो, अगर वहां प्रेम नहीं है, आपको उस घर में भी रहना अच्छा? अरे वो कहेगी, तेरी मम्मी 20 साल तक तुझे पाला पोसा पढ़ा किया, रह जा रे। आप कहोगे नहीं, मायके में मन नहीं लगता, ससुराल में मन लगता है, वहाँ प्रेम है मेरे घर में, वहाँ सब एक दूसरे को सुनते, एक दूसरे को समझते, एक दूसरे का सहयोग करते, यहाँ पे वो कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ मन नहीं लगता, है ना। चाहे मम्मी हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई क्यों ना हो, कौन से फ्रेंड्स के पास जाना पसंद करते हो? जहाँ प्रेम है। तो आपके पास कौन आना पसंद करेगा? प्रेम होगा तो लोग आना पसंद करेंगे ना। आत्मा का भोजन प्रेम है, और वो प्रेम कब बढ़ता है? जब आदमी अच्छी वाणी बोलता है। अब अच्छी वाणी कैसे बोलते हो? छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लो। चलो, हम अपने घर में जिनके साथ रहते हैं, हम पूरे दिन में अपने घर वालों को कितनी बार प्रेज करते हैं, कितनी बार उनकी प्रेज करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, कितनी बार हम उनके हौसला बुलंद करते हैं, कितनी बार हम उनको इंस्पायर करते हैं, हमारी वाणी कैसी होती है? दिन भर में ख्याल आता है कभी हमने घर वालों की कोई तारीफ करी? अच्छा, दिन भर में हम अपने घर वालों को कमियां कितनी बार बोलते हैं? हाँ, कितनी बार बोलते हैं, आपने ये नहीं किया, मैंने बोला था याद नहीं रखा, आपको कुछ भी कह दो सुनते ही नहीं हो, याद ही नहीं रखते। ये बच्चे हमारा साहब हमारी नहीं सुनते, सब अपने दोस्तों की सुनते हैं। अपने बच्चों के सामने जब ऐसी कंप्लेनिंग वर्ड्स में बोलते हो ना, तो बच्चे क्या कहते हैं? ठीक है मम्मा, आपकी सुनूं तो भी आप यही कहते हो कि दोस्तों की सुनता है, तो मुझे सुनना ही नहीं आपके, फिर मैं दोस्तों की सुनूंगा। आजकल ना लोगों में कुबुद्धि ज्यादा है, तो तुम जैसी उल्टी बात करोगे ना, वो उल्टी को वैसे लेंगे। तुम सोचते थे कि उल्टी कहेंगे तो वो सुल्टी लेंगे, अरे भैया सुल्टी कही हुई भी सुल्टी ले ले तो बड़ी बात है। उल्टी को सुल्टी लेने वाला जमाना का बहुत थोड़े लोग हैं जो सब समझते हैं। तो जैसे आप कहोगे ना, वो उल्टा ही लेने वाला है, इसीलिए मत कहो ऐसा, बोलो ये मत। इतना कोमल हृदय है सबका, इतने नाजुक मन है सबके, कि जैसे आप एक बहुत महत्वपूर्ण क्रॉकरी को कैसे पकड़ते हो, बड़ी महंगी क्रॉकरी को कैसे पकड़ते हो, हाँ, कितने इत्मीनान से, ऐसे ही हैंडल विथ केयर। सब के दिलों को केयरफुली हैंडल करो। नाजुक मन है, कोमल मन है, इनको ऐसे ही मत बोल दो। पर हमें क्या लगता है, अपने मन के लिए तो हमें लगता है हमारा मन बहुत संवेदनशील है, बहुत भावुक है, और दूसरों के मन के लिए हमें क्या लगता है, ये तो पत्थर है, कुछ भी बोलो इनको फर्क तो पड़ता ही नहीं, ये सुनते तो है ही नहीं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम ऐसा बोल देते हैं। ये हम गलत आर्ग्यूमेंट करते हैं,
और अक्सर लेडीज को आदत होती है और फिर धीरे धीरे जेंट्स बोलना ही बंद कर देते और फिर उनको और गुस्सा आता है, वो कहते आप बोलते क्यों नहीं हो, अरे वो बोले तो लड़ाई, वो न बोले तो लड़ाई कि तुम बोले क्यों नहीं। तो बेचारे वो भी क्या करे, उनकी हालत को कौन समझे, और फिर उससे कितने दोष पनपते हैं वो आपको भी पता है कि जो आदमी घर में नहीं बोलेगा वो अपनी भड़ास निकालने कहीं तो बोलेगा नहीं, फिर वो जहाँ बोलेगा वहाँ कोई उनको सुनेगा और जब कोई सुनेगा तो उनका प्रेम कहाँ पड़ जाएगा, बाहर हो जाएगा, और जब बाहर प्रेम हो जाएगा तब आप अपनी किस्मत को लेकर रोओगे। महानगरों और नगरों में 10 में से 5 परिवारों में स्टोरी पैदा हो रही है कि लोग प्यार ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हैं, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो बच्चे, कोई भी एज ग्रुप का क्यों ना हो। पहले जमाना अलग था, जमाना अलग है। आज अगर हमने केयरफुली इन रिश्तों को हैंडल नहीं किया, आज हमने अगर सही टाइम पे सही तरीके से रिश्तों को क्या खाद पानी देना है वो नहीं सीखा, तो ये पौधे किसी और खेती पे लहलाएंगे और फिर रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा और फिर सब कैओस पैदा हो जाएगा। हर आदमी कहीं और लगा हुआ है, सबकी चिंतधारा कहीं और बह रही है, शरीर कहीं है, मन कहीं है, यही तो सारी बीमारियों की जड़ है। इसलिए मेडिकल साइंस कितना ही डेवलप हो जाए, ये हमारे समाज की बीमारियां, परिवार की बीमारियां खत्म ही नहीं होती और हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनका उपचार मेडिकल साइंस में नहीं है, इनका उपाय नहीं है वहां पे। ये प्रॉब्लम कहाँ है आदमी की, आदमी प्रेम का भूखा है, प्रेम का भूखा आदमी बीमार पड़ रहा है और उसको आप दवाई देकर के ठीक करना चाहोगे, वो कैसे ठीक होगा, हो सकता है क्या? वो पुराने लोग भक्ति काव्य में लिखते थे कि परमात्मा प्रेम का भूखा है ना। अब बताओ हम में से कौन है जो परमात्मा नहीं है? अरे सबकी आत्मा तो परमात्मा है और सबकी आत्मा ही प्रेम की भूखी है। और प्रेम मिलने का मतलब क्या होता है? जहां हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, कोई हमारी बात प्यार से सुनता है, जहां हमको जजमेंट नहीं किया जाता है, जहां हमारी बातों के ऊपर कोई कठोर निर्णय नहीं लेता है, बहुत मधुर वाणी से बात करता है, जहां हमारे गुणों का अप्रिशिएशन मिलता है, वहां हमको लगता है कि यहां हमको प्रेम मिल रहा है। यही तो बात है ना, जो व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं क्या वो व्यवहार हम दूसरों को ले दे नहीं सकते, नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं ना, फिर गड़बड़ी कहां कर रहे हैं? हर आदमी खुद के लिए तो खाद पानी चाहता है, देने के लिए वक्त नहीं चाहता, देने के वक्त जजमेंटल बन जाता है, उसको क्यों, वो तो ऑलरेडी उसको उतने लोग चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी वहां बिजी है, वो ऑलरेडी उसी और के साथ में बात कर रहा है, तो मैं किस लिए से बात करूं? डोंट बी जजमेंटल एंड डोंट बी कंप्लेनिंग। अगर आप शिकायत करते हो तो जिसके प्रति जिस व्यवहार की शिकायत कर रहे हो उस व्यवहार के जिम्मेदार आप स्वयं हो। आपकी तरफ वो व्यवहार वो व्यक्ति इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपके बोलने में कोई त्रुटि रही है, आपके सोचने में कोई त्रुटि रही है, आपके व्यवहार में कोई त्रुटि रही है। ये बात ईमानदारी से समझ में आ जाए कि हमें जिम्मेदार है दूसरा हमारे प्रति कैसा व्यवहार करता है, उसके उस व्यवहार को उस वाणी को आकर्षित करने के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। आपका बच्चा बेरुखी अपनाता और आपसे नहीं बात करता है सीधे मुंह, उसका कारण आपके बच्चा नहीं, बच्चे की आत्मा तो प्रेम की भूखी है, आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए हैं, आपने कुछ ऐसे कमेंट्स कर दिए हैं, बस वो कमेंट्स ही है जो उस बच्चे को आपसे दूर ले जा रहे हैं। और देखो कितना लगता क्या इस जुबान को हिलने में है, वो लचीली है ना, हड्डी इसमें है नहीं, कहीं भी चल पड़ती और इतनी जल्दी कमेंट पास करती है, वो कमेंट सामने वाले के दिल में जाकर के सीधा तीर की तरह चुभते, उसके दिल में सुराख कर देते, छेद कर देते, और वो आदमी आपके पास आने से भी घबराता है, आपका बच्चा आपके पास बैठने से भी घबराता है। इसीलिए जब आप कहीं जाती हो वो घर में रहता है, आप घर में रहती हो वो कहीं जाता है, आप इस कमरे में वो उस कमरे में, आप टीवी पे ये चैनल देखोगे वो दूसरा चैनल देखना पसंद करेगा, आप ये खाना पसंद करोगे वो उस खाने की काट करेगा, वो कहेगा ये कोई खाना है दूसरा खाना खाना है, आप ये बनाओगे वो उसी खाने की बुराई करेगा, फिर आप कहोगे कितना शिकायती है जो बनाता है खा क्यों नहीं लेते, अरे भैया उसमें ये हैबिट्स डेवलप किसने की, बच्चे को इतना कंप्लेनिंग किसने बनाया,
बच्चे को इतना एरोगेंट किसने बनाया, इतना इगोस्टिक किसने बनाया? माँ भूल गई कि अगर मैं इसको स्नेह से खाना खिला रही होती, खाना महत्वपूर्ण नहीं, माँ का स्नेह महत्वपूर्ण होता, खाने का टेस्ट महत्वपूर्ण नहीं, पत्नी का समर्पण और प्यार महत्वपूर्ण होता, उस घर में खाने को लेकर कभी प्रॉब्लम ही नहीं आती। पर आज हर 10 में से 9 घरों में खाने को लेकर के बड़ी समस्याएं हैं। 9 घर कह रही हूँ, एक घर अपवाद के लिए छोड़ रही हूँ। कोई तो भी घर होगा, कोई तो भी ऐसे लोग होंगे जहाँ इस तरह के इस टॉपिक को लेकर के कोई कभी प्रॉब्लम ही नहीं पैदा होती है, क्योंकि लोग खाने को नहीं, खाने के साथ जुड़ी भावनाओं को महत्व देते हैं। हम किसको महत्व देते हैं देख लीजिएगा जरा, है ना? ये स्नेहशीलता क्यों गिर रही है? क्योंकि हमारी वाणी जो है ना फिल्टर होके नहीं आ रही है। जैसे पानी फिल्टर होके पीते हो, वाणी भी फिल्टर करके बोलो। कब करोगे ऐसा? कब कमेंटिंग बिहेवियर बंद करोगे? कब कमेंट्स करना बंद करोगे? कब बंद करोगे? अभी हाथ खड़ा करने को बोलूं कोई करेगा क्या? हाँ करोगे क्या? जरा सोच समझ के करना, बिल्कुल सोच समझ के करना कि अब मैं कमेंट नहीं करूंगा। है कोई ऐसा? मैं समझती उपवास करने से ज्यादा मुश्किल व्रत यह है आपके लिए, और आयम्बल करने से भी ज्यादा मुश्किल व्रत यह है। आप में से कितने लोग हैं ना जो आयम्बल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, उपवास भी रोज नहीं कर सकते, आयम्बल भी रोज नहीं कर सकते। चलो भैया एक व्रत तो कर ले, कमेंट नहीं करेंगे। कर सकते? कमेंटिंग टोन में बात नहीं करेंगे। देखो अगर आपको ये समाधान चाहिए ना परिवारों में पनप रही असहनशीलता का, तो थोड़ा वाणी पे ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट चीज, लिसन टू योर सेल्फ, खुद को सुनो। एंड द सेकेंड चीज, आपको अपनी वाणी को फिल्टर करके बोलना, बिना जज किए बोलना, बिना कठोरता के बोलना। सच भी है और कठोर है मत बोलो। ये 2 सूत्र हुए। तीसरा सूत्र है, स्नेहशीलता क्यों घट रही है? स्नेहशीलता क्यों घट रही है? अधैर्य क्यों बढ़ रहा है? सहनशीलता क्यों घट रही है? क्यों हमारे वातावरण में हर आदमी दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पाता? पहले घर में 14 लोग थे तो लड़ाई, 4 लोग आ गए तो लड़ाई, अब मियाँ बीबी 2 रह गए ना, वो पहले ही बोल गए, वो 2 भी लड़ते हैं, वो 2 भी एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। क्या उपाय होगा इस सब का? कारण क्या है? क्यों हम सहन नहीं कर पाते? हम सब के भीतर इच्छाओं के अनियंत्रित आवेग, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। हमें जो भी जितना भी मिलता है ना, हमें हमेशा उससे और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। जितना खर्चा आपको मिलता है उससे और ज्यादा चाहिए, अपने लोगों का टाइम जितना मिलता है उससे और ज्यादा चाहिए, ध्यान जितना मिलता है उससे और ज्यादा चाहिए, सुख सुविधा जितनी मिली उससे और ज्यादा चाहिए, लिबर्टी जितनी मिली उससे, हाँ हमेशा और ज्यादा चाहिए। ये जो और ज्यादा चाहिए है, ये हमें असहनशील बना रही है। पक्की बात, राइट? जितना मिला और ज्यादा चाहिए। अब इसे ऐसा कर दो, ये जो और ज्यादा चाहिए वाली सोच है ना, इसको जरा परे रख के बोलो, जितना मिला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जैसा मिला बहुत मिला बहुत मिला बहुत मिला। कभी बोल सकते हो ऐसा? हाँ बोल पाओगे? किसी ने आपको इनवाइट किया और चाय सर्व करी, घर आके क्या बोलोगे? चाय तो थी, पकोड़े तो थे ही नहीं। नहीं, अच्छा चलो उसने चाय के साथ पकोड़े रख दिए होंगे, तो आप घर आके कहोगे खाने की टाइम थी, चाय पकोड़े में निपटा दिया। वो आदत पड़ी है ना, जितना मिला उसमें कमी देखने की, है ना? अगर आपको वाकई इस असहनशीलता को दूर करना, स्नेहशीलता को बढ़ाना है, तो तीसरे पॉइंट पे ध्यान दो, अनियंत्रित इच्छाओं पे लगाम लगाओ
और जो मिला जैसा मिला उसके लिए थैंकफुल होना सीखो। एक छोटा सा सूत्र है, थैंकफुल होना सीखो, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल। छोटा भी मिला ना उसको बहुत बड़ा करके दिखाओ। आपके पति ने आपको 24 घंटे में से केवल आधा घंटा दिया जिसके साथ आप बात कर सकते थे, उस आधा घंटा के लिए कहो वाह क्या पूरा 30 मिनट्स मेरे लिए मजा आ गया। और क्या कहोगे, बस 24 घंटे में से इतना आधा घंटा, देखो कितना अंतर है ना। जैसे ही वो आपको जो देते हैं आप उसमें कमी देखते हो उनका दिल सिकुड़ जाता है, दूर हो जाता है। जो मिला आपने उसमें बहुत देखा, आपको स्वाधीनता दी उन्होंने, तू जा तेरे प्रोग्राम से ये काम छोड़ दे, तू काम अपने काम कर। आपने बोला थैंक यू, वाह आई एम टू मच लक्की, कितना अच्छे इंसान हो आप, मेरा कितना ध्यान रखते हो। वहाँ हमें जो अप्रिशिएशन करना था ना, जहाँ ज़रूरत थी बोलने की ना, वहाँ बोला नहीं। और जैसे वो किसी दिन मना करेंगे ना, आज नहीं जा सकते, अब यहाँ जरूरत नहीं थी बोलने की, वहां कितना बोलेंगे, जहां जरूरत थी बोलने की वहां बोले ही नहीं। स्नेहशीलता घटेगी कि बढ़ेगी, घट जाएगी ना, यही तो दिक्कत है। हम क्या सोचते ये ज्ञान ध्यान की बातें खाली प्रदूषणों में करने की है, हाँ ये खम्मत खामना सॉरी क्षमापना स्वीकार भाव खाली वो संवत्सरी के दिन के लिए रखा है क्या, इनको रिजर्व करके रखा है क्या? ऐसा नहीं है, ये हर दिन की बात है, हर पल की बात है, हर घटना की बात है। हर घटना में हमारी सोच ऐसी होना, मैंने देखा है एक छोटे बच्चे को, वो अपने पापा से पूरे वीक में केवल वीकेंड्स पे कुछ घंटों के लिए मिल पाता था, उसके बाद में उसकी भी क्लासेस है, पापा की भी बिजनेस है, पापा घर में आता है उसके क्लासेस रहती है, और जब वो घर में होता है पापा बाहर। लेकिन उसने उस छोटे से टाइम को पापा के साथ जो बिताया ना, इतने खूब तरीके से बिताया, इतने पापा को प्रेम देते हुए, पापा का प्रेम पाते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, पापा के क्वालिटीज को देखते हुए, और हमेशा कहता था मेरे पापा है जो मुझे सब कुछ दे रहे। तो पापा ये फील करते थे मैं कितना कम दे पा रहा हूं, वो कहता था मेरे पापा है जो मुझे कितना कुछ दे रहे हैं, तो पापा खुद फील करते कि मैं कितना कम दे पा रहा हूँ। जैसे आप कहते हो मुझे कितना कम मिल रहा है, तो सामने वाला कहता है मैं कितना दे रहा हूँ, और आप कहते हो आप मुझे कितना दे रहे हो, तो सामने वाला फील करेगा मैं कितना कम दे पा रहा हूँ। अभी देखो आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए खुद सोचो। केवल आपकी बात नहीं है, ये पूरे विश्व भर की समस्या है, यंग जनरेशन की ये हाईएस्ट समस्या है। उनको हर चीज में मोर 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 लगा है, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, इसीलिए सहन नहीं कर पाते, वे जरा सी कमी सहन नहीं कर पाते, कमी देख ही नहीं सकते। और माता पिता वे कमी ना देखनी पड़े मेरे बच्चों को, इसलिए एथिक्स को भी छोड़ करके उनकी इच्छा पूरी करने के लिए काम करते हैं, अपनी जमीन तक को वो गिरवी रख करके उनके लिए काम करते हैं। उनको गाड़ी चाहिए गाड़ी दिलाएंगे, उनको आईफोन चाहिए आईफोन दिलाएंगे, उनको शादी आज क्रूज पे जाके करनी है तो वो भी करेंगे। सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चे उतने थैंकफुल हो ही नहीं सकते, वो तब भी कमी देख लेते हैं। बस यही असहनशीलता है, यही बढ़ती है सहनशीलता और घटती स्नेहशीलता। इसका इलाज थर्ड पॉइंट ध्यान दो, जो मिला उसमें कमी मत देखो, और चाहिए कि मांग मत उठाओ, जो मिला उसके लिए थैंकफुल ग्रेटफुल ऑब्लाइज्ड होना सीखो। कितनी गहराई से आपने तीन बातें अपना लेना, फर्स्ट सुनना सीखो, पहले खुद को फिर सबको, पहले खुद को फिर सबको, खुद को समझाओ फिर दूसरों के साथ जब बात करो तो सेकंड पॉइंट फिल्टर करके बात करना, बोलते समय वाणी को फिल्टर करके बोलना, और तीसरा जिसने जो दिया है उसको अप्रिशिएट करना, उसके लिए थैंकफुल होना, उसको इंस्पायर करना,
जहां जैसी जरूरत पड़े वहां स्टेप को अपनाना, लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्लेनिंग मत बनना, अपने बच्चों के लिए भी नहीं। क्योंकि बूढ़े लोग कहते हैं बच्चे हमारे को टाइम नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। वो बूढ़े लोग भूल जाते हैं कि तुम जितना बच्चों में कमी देखते हो बच्चे उतना दूर चले जाते हैं। वो बच्चे अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, वो मुश्किल से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके पास आके बैठते हैं, और जैसे वो पास आके बैठते हैं आप दुख दर्द के रोना शुरू कर देते हो, आप अपनी तकलीफें बयान करना शुरू कर देते हो, आप लोगों के अनुभवों से तुलना करके अपने आप को दीन दुखी जाहिर करना शुरू कर देते हो। अब आपके बच्चे आपसे भाग जाते हैं और फिर आप कहते हो मेरी किस्मत में ऐसे बच्चे लिखे। बच्चों की गलती नहीं है, वो तो निर्दोष है, वो आपकी मानसिकता को समझ पा रहे हैं और सड़ी हुई मानसिकता के पास वो खिले हुए फूल बैठना नहीं चाहते। बच्चे बहुत समझदार है, वो देख पा रहे हैं, डीप तक देख पा रहे हैं कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्सेस क्या है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, तुम अपने आप को चेंज करो फिर देखो वातावरण कितना अच्छा होगा। लेकिन आप क्या करते हो, बच्चे जब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, तुम उन्हें देख करके प्रेम नहीं दे पाते, उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, तुम उन्हें देख करके कमियां निकालते हो, कमेंट पास करते हो, कंप्लेनिंग बन जाते हो, इतना खर्चा यहाँ किया, यहाँ करते तो कितना अच्छा होता, वहां पे जाके इतने घंटे बिताए, यहाँ बिताते तो कितना अच्छा होता। और वो तुम्हारे आइडल्स दूसरे हैं, उनके आइडल्स दूसरे हैं, और वातावरण में स्नेह खत्म। जब स्नेह खत्म हो जाता है, संवाद बिगड़ जाता है, विवाद बन जाता है, तो एक व्यक्ति समझदार व्यक्ति कहता है इनसे दूर ही रहो, पास जाके बैठे नहीं लड़ाई हो जाएगी। और तब एक शहर में रहते हुए भी दो बेटों के घर अलग, माता पिता का घर अलग, ये माहौल है हमारे समाज का, आज प्रत्येक समाज का ये माहौल है। इस माहौल को दूर करने के लिए हमें अपनी दृष्टि को बदलना आवश्यक है। समय रहते बदल गए तो बहुत अच्छा, नहीं बदले तो बड़ी बड़ी लोगों की स्टोरी हमारे सामने है, जिनके बेटे अरबोंपति है, करोड़ोंपति है, कोई गूगल पे है, कोई रिलायंस में है, कोई कहीं है, और माँ बाप अकेले बुढ़ापे में रोते तड़पते मर रहे हैं, उनके मौत की खबर भी उनके पास तक कई दिनों बाद पहुँचती है। हाँ, ये स्थिति आ रही है आज समाज में। इस माहौल को, इस विकट माहौल को पैदा होने से रोकना है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना, पैदा होने से ही रोक लो, और वो तभी रोक सकते हो जब छोटी छोटी बातों को ध्यान में दोगे, है ना। फर्स्ट खुद के साथ टाइम दो, खुद को सहना सीखो, खुद को स्वीकारना सीखो, खुद को राइट चैनल पे चैनलाइज करो, है ना। सेकंड, वातावरण में वाणी का विवेक रखो, जहाँ भी बात करो, जिससे भी बात करो, आपकी बात इंस्पिरेशनल होनी, मोटिवेशनल होनी, आपकी बात प्रेम से भरी होनी, आपकी बात अप्रिशिएशन से भरी होनी, आपकी बातों में कंप्लेनिंग नहीं होना, कमेंट्स नहीं होना, कर सकते हो ना, किसी के घर के सीक्रेट्स ओपन नहीं करना, ये वाणी का विवेक रखना है ना। और थर्ड फार्मूला कि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो और जो मिला उसके लिए थैंकफुल होना सीखो। थोड़ा मिला बहुत थैंकफुल हो जाओ, बहुत मिलेगा, बहुत मिला और अधिक थैंकफुल हो जाओ, और अधिक मिलेगा, और जितना मिला उसमें कंप्लेनिंग की, जो मिला वो डिक्रीज होता चला जाएगा। सब कुछ आपके हाथ में है, आपका परिवार धुरी आप हो, आप ही वो धरती हो जिस पे सारी फसलें उगनी है, आपका बच्चा भी, आने वाला युग का पिता भी, पति भी, परिवार भी, सब एक स्त्री के माध्यम से होने वाला है। इसीलिए नारी तू ही नारायणी, नारी तू ही नारायणी है, तू अपने आप को संभाल, बाकी सारा जग संभल जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो, ओम शांति।